जैन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं साम्यावस्था का अगला वीडियो, जहाँ पे हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं। गुलबर्ग व वागे के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति अथवा वेग उस अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। बच्चों, गुलबर्ग और वागे दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने रासायनिक अभिक्रिया और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित किया। उन्होंने बताया कि किसी भी अभिक्रिया में उस अभिक्रिया का वेग या फिर उस अभिक्रिया की गति उस अभिक्रिया में प्रयुक्त हुए अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब हम इसको एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करते हैं। आपके सामने एक सामान्य अभिक्रिया लिखी हुई है, जिसमें ए और बी अभिकारक आपस में क्रिया करके सी उत्पाद देते हैं, यानी रिएक्टेंट है हमारे ए और बी, और जो बनने वाला प्रोडक्ट या उत्पाद है वो है सी। अब इस पर लगाते हैं गुलबर्ग और वागे का द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। देखिए, इस सामान्य अभिक्रिया में जब हम लोग गुलबर्ग और वागे का द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे, तो इस अभिक्रिया का जो वेग होगा, रेट होगा, गति होगी, उसको हम लोग आर से दिखाएंगे। बच्चों, तो आर जो है वो ए और बी अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमान या फिर मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है। ये समानुपाती का चिन्ह है बच्चों। और जो ये बड़ा कोष्टक या बड़ा ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये दिखा मोलर कंसेंट्रेशन या फिर सक्रिय द्रव्यमान। क्लियर हुआ? तो इस अभिक्रिया का जो दर या वेग होगा, वो इस अभिक्रिया में प्रयोग हुए ए और बी अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा, समानुपाती होगा। ये है हमारा बच्चों गुलबर्ग और वागे का नियम। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे हमको समानुपाती का चिन्ह जो है विलुप्त करना है, गायब करना है। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर आप कोई नियतांक या स्थिरांक प्रयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे के प्रयोग किया है, तो के प्रयोग करने के बाद फॉर्मूला क्या हो गया? आर इज इक्वल टू के इंटू ए का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी का सक्रिय द्रव्यमान। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम साम्यावस्था प्रक्रम में प्रयोग करने पे, बच्चों जो हमारा गुलबर्ग और वागे ने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम दिया था, वो अब हम लोग प्रयोग करेंगे किसी भी साम्यावस्था वाली अभिक्रिया में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए और बी अभिकारक आपस में क्रिया करके सी और डी उत्पाद देते हैं। ये जो हमारा प्रक्रम है, ये हमारा उत्क्रमणीय है। क्लियर है आपको? और सर, घबराइए नहीं, जो ये ए और बी और सी और डी लिखे हैं, ये इन अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्या है। तो अगर मैं आपको कहना चाहूं, तो इस अभिक्रिया को मैं कैसे बोलूंगा? ए अभिकारक के ए मोल, बी अभिकारक के बी मोल जो हैं, वो उत्पाद सी के सी मोल और डी के डी मोल के साथ साम्यावस्था में है। क्या ये आपको स्पष्ट है? बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आपकी साम्यावस्था है, ये दोनों दिशा में गति करती है। अग्र यानी कि फॉरवर्ड, पश यानी कि बैकवर्ड, आगे की ओर और पीछे की ओर। अगर आपसे पूछूं कि क्या मैं इस क्वेश्चन में गुलबर्ग और वागे का द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा सकता हूं, तो आपने कहा सर बिल्कुल क्यों नहीं लगा सकते हैं, बस रखना है थोड़ा सा ध्यान। तो क्या ध्यान रखना है? कि आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला था, रेट जो निकालेंगे आप यहाँ पे रेट फॉर्मूला, वो दो बार निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? ऊपर तो आपने एक बार निकलवाया था। बेटा, यहाँ पे अभिक्रिया साम्यावस्था में या उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दो बार होती है, एक कौन सी? अग्र वाली, और दूसरी कौन सी? पश वाली। तो यहाँ पे हम लोग रेट अग्र और पश दोनों के लिए निकालेंगे। तो बच्चों, पहले लेते हैं अग्र अभिक्रिया के लिए। तो मेरा एक सवाल है छोटा सा, आप मुझे ये बताइए कि अग्र अभिक्रिया तो ये वाली है, तो अग्र अभिक्रिया में अभिकारक कौन होंगे? ए और बी। उत्पाद कौन होगा? सी और डी। बिल्कुल सही। यहाँ पे जो आपका रेट होगा इस अभिक्रिया का, वो ए और बी के सक्रिय द्रव्यमान पर ही निर्भर करेगा, सी और डी पर नहीं, क्योंकि ये क्या है? उत्पाद। आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए का सक्रिय द्रव्यमान घातांक ए इंटू बी का सक्रिय द्रव्यमान घातांक बी। बच्चों, जो यहाँ पे ए और बी जो मोल है, ये हमारे ए और बी के घातांक बन जाते हैं। क्लियर है आपको? सर, यहाँ पे मान लो सी मोल होते, तो यहाँ पे घातांक सी हो जाता। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा अग्र अभिक्रिया के लिए। आर एफ जो है वो फॉरवर्ड यानी कि अग्र दिशा का रेट है, और के एफ जो यहाँ पे है, ये फॉरवर्ड यानी कि अग्र अभिक्रिया के लिए स्थिरांक है। अब इसी तरह हम लोग जो है पश या बैकवर्ड यानी कि इस अभिक्रिया के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे। तो आप ये बताइए कि जब अभिक्रिया इस दिशा में जाएगी, तो इस अभिक्रिया के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, पश अभिक्रिया के लिए अभिकारक कौन होंगे? सही कहा आपने सर, सी और डी हमारे अभिकारक कहलाएंगे, और ए और बी बन जाएंगे उत्पाद, क्योंकि अभिक्रिया जा रही है बैकवर्ड।
तो फॉर्मूला क्या होगा? तो सर गुडबर्ग और वागे के अनुसार इस बैकवर्ड या पश्च अभिक्रिया का जो रेट होगा वो सी अभिकारक और डी अभिकारक की सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता पर निर्भर करेगा। कैसे? ये देखिए, ये बन गया आपका आर बी इज इक्वल टू के बी इंटू सी का सक्रिय द्रव्यमान घातांक सी इंटू डी का सक्रिय द्रव्यमान घातांक डी, और ये हो गया हमारा व्यंजक दो। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर पहली समीकरण और दूसरी समीकरण आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ज्ञात की है। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि साम्यावस्था पे क्या होता है। सर साम्यावस्था पे अग्र दिशा की दर और पश्च दिशा की दर, अग्र अभिक्रिया का वेग या पश्च अभिक्रिया का वेग या रेट जो होता है वो बराबर हो जाता है, ये हम लोग पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे लिखा है आर एफ इज इक्वल टू आर बी, यानी फॉरवर्ड अभिक्रिया की दर या वेग बराबर है बैकवर्ड या पश्च अभिक्रिया के वेग के, अर्थात अभिक्रिया या प्रक्रम जो ऊपर आपने दिखाया है वो साम्यावस्था पे है और आपके पास इन दोनों के मान है। देखिए आर एफ इज इक्वल टू आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, आर बी इज इक्वल टू इधर आपने व्यंजक स्थापित किया हुआ है, तो इन दोनों के मान आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? चलिए रखते हैं और देखते हैं क्या मिला। बच्चों आर एफ इज इक्वल टू आर बी होता है साम्यावस्था पे, हम जानते हैं आर एफ का मान हमारा ये आया था, आर बी का मान हमारा ये आया था, दोनों को हमने एक दूसरे के बराबर रख दिया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे के बी को आपको लेके आना है लेफ्ट साइड और ए और बी को लेके जाना है आपको राइट साइड। क्या आपको क्लियर है? तो देखिए फॉर्मूला आपका क्या और कैसा दिखाई पड़ेगा। तो देखिए फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, कैसा दिखाई पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। तो देखिए के एफ बाय क्या हो जाएगा, के बी, और सी का सक्रिय द्रव्यमान इंटू डी का सक्रिय द्रव्यमान डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ए का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी का सक्रिय द्रव्यमान। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे मान रखने के बाद एक नया संबंध। अब बच्चों देखिए मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने सिंपली यहाँ पर के एफ और के बी को हटाते हुए एक नए स्थिरांक से प्रदर्शित किया है। इन दोनों का जो अनुपात है उसको हम लोग के ई क्यू से दिखाते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, क्योंकि यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं है, वो केवल परिवर्तन यहाँ हुआ है। तो के ए क्यू इज इक्वल टू सी का सक्रिय द्रव्यमान घातांक सी इंटू डी का सक्रिय द्रव्यमान घातांक डी डिवाइड बाय ए का सक्रिय द्रव्यमान घातांक ए इंटू बी का सक्रिय द्रव्यमान घातांक बी बन गया, या पावर बोल सकते हैं आप यहाँ पे। और आप जानते हैं ई क्यू जो बना है वो बना है इक्विलिब्रियम के लिए, तो के ई क्यू यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है? सर ये साम्यावस्था स्थिरांक को दिखा रहा है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को दिखा रहा है। तो बच्चों हमने यहाँ पर गुल्डबर्ग और वागे के द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम को लगाते हुए साम्यावस्था स्थिरांक की व्युत्पत्ति करी है और ये देखा है कि हम लोग किसी भी अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थिरांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये स्पष्ट हुआ होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि साम्यावस्था स्थिरांक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और उस पर आधारित गणना वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक।